अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना एक संदेश वाचन आप सबके नाम प्रसारित किया है, कृपया आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को जाने और समझे। स्वागत करें सरपंच गंदरपुरी ग्राम पंचायत से। सर हमारे पूरी गंदरपुरी क्षेत्र की ओर से आपका स्वागत है। श्रीमती लीला भाई अटेरिया जी के स्वागत के लिए मैं सरपंच से अनुरोध करूंगा मधु दायर जी से। क्षेत्र के सरपंच से ही अनुरोध है, समस्त ग्रामीण क्षेत्र की ओर से गंदरपुरी की ओर से माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए। आज मध्य प्रदेश में 83 लाख से अधिक उज्ज्वला का उजाला है। एक दशक पहले गरीबों के लिए भरपेट भोजन मिलना होता था दूभर, संकल्प था खाद्य। घर में रह रही थी, इस मिशन में जुड़ने के बाद आज मैं आत्मनिर्भर हूँ और इस बात के लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, महत्वाकांक्षी योजना जिसने पूरी दुनिया में भारत के नाम को रोशन किया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। राजकुमार जी से अनुरोध है कृपया पधार। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, समस्त किसान भाइयों की ये कहानी होगी, एक ही सफलता है ना हम सबकी सफलता। राज्यपाल महोदय, हमारे संसद महोदय तथा विधायक महोदय, प्रधानमंत्री द्वारा किसान कल्याण निधि के जो हमारी सोलसठ विधानसभा है, ये वो पावन विधानसभा के रूप जिसकी प्राचीन पहचान, जिसमें विशेष रूप से एक ओर बाबा महाकाल का आशीर्वाद है तो दूसरी ओर देवास में उपस्थित माँ चामुंडा और तुलजा भवानी का आशीष हमको मिला। और इसके बाद उद्यानिकी विभाग की ओर से कमल सिंह, उमराव सिंह, प्याज भंडार। कमल सिंह, उमराव सिंह, प्याज भंडार, बहुत बहुत शुभकामनाएं किसान साथी को। इसी की तरह वर्मी खाद इकाई, वर्मी खाद इकाई को ये अनुमति प्रदान किया गया है। वर्मी खाद इकाई लोकेश नागर, रूप सिंह नागर। इसके बाद रोशनी एवं अर्जुन आए, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना 20 लाख रुपए का ये प्रमाण पत्र यहाँ से वितरण किया जा रहा है, या राशि स्वीकृत हुई है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जितेंद्र प्रजापति, फर्नीचर निर्माण हेतु 10 लाख रुपए का यहाँ से चेक वितरण, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के सोनकच की ओर। कर्तव्य निभाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ और देश की रक्षा करने वालों का